हाई एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर फोर ऑफ क्लास टेंथ दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एंड फ्रेंक नाउ इन दिस चैप्टर ये सारी स्टोरी जो इस चैप्टर में हमें दी गई है ये एक छोटी सी गर्ल है उसकी एक पर्सनल डायरी का एक एक्स्ट्रैक्ट एक है कैसे वो अपनी फीलिंग्स अपनी उस डायरी में कलेक्ट करती थी एंड हाउ शी यूज टू बी सो एक्सप्रेसिव

तो जब एडोल्फ हिटलर वॉज रूलिंग ऑन जर्मनी उस टाइम की बात है जब ये गर्ल शी यूज़ टू इनकी पूरी फैमिली इन फैक्ट सम प्लेस वहाँ पर भी ये अपनी डायरी लिखती थी एंड दिस गर्ल ऑल्सो डाइड एट अ वेरी यंग एज इवेंचुअली इसके फादर ने ही गॉट हिज होल्ड ऑफ हिज हर डायरी एंड उसने उसको पब्लिश करवाया था एंड दैट इज हाउ वी हैव दिस स्टोरी इन आर बुक्स नाउ

In hiding with her family and four friends in Amsterdam during her German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942. In hidden rooms in her father Otto Frank's and transported uh, in her father Otto Frank's office building. After two years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister. So we see how they were betrayed by the group of friends.

after the war ended to find that her diary had been saved convinced that it was a unique record he took action to have it published in english under the name the diary of a young girl so this diary which anne frank used to write this was not originally in english her native language and um, her father caught hold of the diary he was really.

The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. So, we see how uh, stories of a girl, as young as a 13 year old girl,

डायरी में लिखा हुआ था एंड यंग चिल्ड्रेन और वेन चिल्ड्रेन समथिंग दे डोंट देगर कोटेड और दे डोंट यू नो टू बी डिप्लोमैटिक वो सीधा वही लिखते हैं साफ साफ जो उन्हें फील होता है दे आर वेरी प्योर इन देयर फीलिंग्स एंड वेरी प्योर इन देयर इंटेंशंस सो दैट इज वाई दिस स्टोरी वॉज ऑल्सो प्रोबली वेरी बिकेम वेरी पॉपुलर एंड जो उस डायरी में सारा कहानियां थी वो सब उसकी एक्चुअल इंस्टेंसेस uh, थी जो उस गर्ल ने एक्सपीरियंस करी होंगी या उस गर्ल ने फील करी होंगी ओके सो दिस डायरी शी गॉट एज अ बर्थडे गिफ्ट ऑन हर थर्टींथ बर्थडे जो कि यहाँ पे लिखा है एंड शी स्टार्ट फाइनल एंट्री जो लास्ट एंट्री थी या जो लास्ट उसने अपना एंट्री करी होगी उसने अपनी लास्ट फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करी अपनी डायरी में वो थी फर्स्ट ऑगस्ट 1944 की उसने उसी लैंग्वेज में जो उसकी नेटिव लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में अपनी ये स्टोरीज लिखी थी इट वॉज कन्वर्टेड इन टू मेनी अदर लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रेड बुक्स They have also, there have also been several films, television and theatrical productions, and even an opera, based on the diary. described as a work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life, and, um, daily life under nazi occupation. and frank has become one of the most renowned and discussed of the holocaust victims. आई होप यू ऑल हैव रेड अबाउट द होलोकॉस्ट इन योर हिस्ट्री लेसन्स सो ये उसी टाइम की कहानी है जब ये डिस्कशन हुई थी जब ये सॉरी जब ये इंसिडेंट हुआ था एंड उस टाइम पर कैसे ये लोग अपने छोटे छोटे डिंजी सेल्स में रहा करते थे दे यू नो दे उन्हें रिस्क था हमेशा अपनी जान गंवाने का एंड दे कु नॉट इवन Live freely. उन्हें ऐसे छुप कर रहना पड़ता था कहीं कहीं आ, किसी किसी ऐसी जगह पर जो इंसान हो वहाँ जाकर वो छुपते थे वो रहते थे उन्हें कोई बेसिक एम्यूनिटीज का एक्सेस नहीं था एंड इतनी ज्यादा डेड बॉडीज हो गई थी उस टाइम पे दे यूज टू गेट रॉट दीज डेड बॉडीज ऐसे रॉट होती थी एंड जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिजीजे भी स्प्रेड होती थी सो so, ये कहानी भी उसी टाइम की है एंड दिस गर्ल हैज वेरी यू नो इनोसेंटली एंड जैसा यहाँ पर लिखा है मेच्योरली एक्सप्रेस हर फीलिंग्स एंड उसने ये देखा कि कैसे uh, उसने अपनी जो फीलिंग्स लिखी दैट रीडर्स हैव फाउंड इट इट सो 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 इट्स इंटरेस्टिंग फॉर देम टू रीड कि एक थर्टीन ईयर ओल्ड कि जो सारी स्टोरीज हैं वो इतनी ज्यादा पॉपुलराइज हुई उनके ऊपर बने, बने उनके ऊपर बनी. डायरी सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड एंड थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट द ऑथर सो हमें अभी तक ये तो पता चल गया है कि ये उसकी खुद की लिखी हुई कहानियां हैं एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी हम कह सकते हैं बिकॉज दीज आर द इंस्टेंसेज एंड एक्सपीरियंस्ड हर सेल्फ एंड यूजअली अगर हम बात भी करें तो कोई डायरी क्यों लिखता है यूजली चिल्ड्रन टेंड टू हैव दिस हैबिट एट वेरी यंग एजेस टू राइट देयर डायरीज

वेरी कॉमन रीजन इस चीज़ का होता है वेन अ पर्सन इज लोनली और फीलिंग डिप्रेस्ड और फीलिंग सैड उस टाइम पर यूजली uh, कोई अपनी फीलिंग्स को पेन डाउन करना चाहता है जस्ट यू लेट दैम आउट सो नॉट एवरी वन हैज अ बेस्ट फ्रेंड और अ फ्रेंड विद होम यू कैन शेयर योर पर्सनल और इंटीमेट फीलिंग्स हर किसी के पास हर इंसान के पास ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कोई कंपेनियन नहीं होता दैट इज़ वाई पीपल यूज डाउन देअ फीलिंग नहीं कर पाते किसी से तो वो राइटिंग में लिखते हैं जिससे उनके मन से वो बातें निकल जाती है एंड देर वॉजर एंड फ्रेंक ऑल्सो प्रोबली फ्रेंड्स सो दैट इज वाई शी ऑल्सो यूज टू राइट डाउन और पेंट डाउन हर फीलिंग डायरी तो उसने अपनी डायरी को एक फ्रेंड की तरह समझा उसने अपनी डायरी को एक नॉर्मल स्केड्यूल बुक या प्लानर की तरह नहीं लिखा शीज टू की डायरी स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर नाउ राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर like मी Not only because I've written I've never written anything before, but also because it's because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a thirteen year old schoolgirl. Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. So, as I explained to you, कि उसने डायरी लिखना क्यों शुरू करा लेट मी जस्ट मेन्शन द चैप्टर नंबर यो दैट वी कैन कीप नोटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स So we this answers our question. There's this question on the right hand side, oral comprehension check. what makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? So just now we have read the first paragraph, which says, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Why? Because I've never written anything before, but also.

उसने दो चीजें हमें बताई एक उसके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था वन बिकॉज़ शी नेवर एनीथिंग बिफोर सेकेंड बिकॉज शी यूज़ टू वंडर कि एक तेरह साल के बच्चे की कहानियां कोई पढ़ने में क्यों इंटरेस्टेड होगा वाई वुड एनी वन बी इंटरेस्टेड टू रीड द थॉट्स और द एक्सप्रेशन और

नीड क्यों थी बिकॉज एंड फ्रेंक वॉज लोनली शी डिड नॉट हैव दैट गुड फ्रेंड्स जिनसे वो जाकर अपनी बहुत इनर डिजायर और इनर फीलिंग्स शी कु नॉट एक्सप्रेस टू एनी वन दैट इज वाई शी सेड आई फील लाइक राइटिंग तो उसने कहा कि मैं लिखूंगी क्योंकि मेरा मन है लिखने का एंड देर आर सो मेनी थिंग्स एट आई वॉन्ट ऑफ माई चेस्ट मतलब उसके मन में इतनी सारी बातें हैं जो वो निकालना चाहती है एंड जो वो एक्सप्रेस करना चाहती है दैट इज़ शी स्टार्टेड राइटिंग पेपर हैज मोर पेशेंस पीपल लिटिल डिप्रेस्ड एंड एट होम विद माई चेन इन माई हैंड बोर्ड एंड लिस्टलेस लिस्टलेस का मतलब होता है विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट आपकी बुक्स में दिया हुआ है लिस्टलेस का मतलब विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट सो इस केस में हम लोग इसका मतलब समझना चाहेंगे कि कैसे हमें Um, उसने एन फ्रैंक कैसे बोर्ड की तरह बैठी हुई थी अपने घर पर विद हर चिन इन हर हैंड्स जब हम लोग बोर होते हैं तो वी आर जस्ट सिटिंग ऐसे लेट बैक होकर शी वॉज ऑल्सो सिटिंग दैट वे ओनली क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दी है वो इसी इसी तरह की दी हुई है कि शी वॉज सिटिंग एट हर प्लेस इन अ वेरी बोर्ड पोजिशन और इन अ वेरी बोर्ड स्टेट ऑफ माइंड तो यहाँ पर क्लियरली मैं दैट आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड

That 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 person person might might not not have that much time, or that person might not be interested in what you are telling, telling him or her. So similarly क्या होता है वो Anne Frank फ्रेंक यही बोलना चाह रही है कि जो इंसान है वो किसी भी चीज से परेशान हो सकता है वो किसी भी चीज को सुनकर उदास हो सकता है या वो किस, कोई चीज सुनकर अगर उसका मन नहीं है तो वो सुनना बंद भी कर सकता है बट पेपर विच इज अ नॉन लिविंग थिंग पेपर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता पेपर इज लाइक वेरी पेशेंट आप जब चाहें जितना चाहें उसके ऊपर लिख सकते हैं जो इरेज करना है आप कर सकते हैं दैट वे पेपर ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है पीपल। दैट इज़ दिस फ्रेज़ हैज बीन यूज पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल सो पेपर को बताया गया है कि एक नॉन लिविंग थिंग एक इंसान से ज्यादा उसकी बातें सुन सकता है उसकी बातें सुन सकता है या उसकी बातें बाते कर सकता है सो दैट इज वाई ये फ्रेज के बारे में वो सोच रही थी कि कैसे पेपर एक नॉन लिविंग थिंग एक इंसान से एक लिविंग थिंग से ज्यादा पेशेंट है या वो ज्यादा कंफर्टेबल थी पेपर पे लिखने में दैन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स टू समवन एल्स I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तो वो बहुत ज़्यादा bore हो रही थी, she was not in a good mood, और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो घर बैठे या बाहर चले जाए। I finally stayed where I was, brooding.

बट अब उन्होंने ये सोचा कि नहीं अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो एन फ्रैंक ने क्या दोबारा उनके दिमाग में ये थॉट आया कि एक्चुअल में ये ट्रू है कि पेपर इज मोर पेशेंट दैन पीपल क्यों क्योंकि अब एन फ्रैंक के जितने थॉट्स थे जैसे भी थॉट्स थे अच्छे थे बुरे थे अ पीस शी पेपर एंड वो पेपर मना नहीं कर सकता

क्योंकि ना तो उसने वो पेपर किसी और को दिखाना है और उसने वो पेपर किसी को नहीं दिखाना या वो डायरी किसी को नहीं दिखानी कब तक जब तक उसे कोई एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाए रियल फ्रेंड से आपको मतलब समझ आ रहा है रियल फ्रेंड मतलब समवन होम शी कैन ट्रस्ट विद प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई दोस्त उसे मिल जाए जिसको वो अपने मन की बातें जब बताए तो शी हैज दैट फीलिंग ऑफ ट्रस्ट पर्सन कि हाँ वो बातें आगे नहीं बताएगा किसी और को या वो उस चीज को जज नहीं करेगा सो वी ऑल सबको हम सारी चीजें नहीं बताते नारे लिए सिर्फ एक या दो या हो सकता है तीन लोग हो मैक्सिमम जिनसे हम वो सब शेयर करते हैं जो हम और किसी को नहीं बता सकते एंड दैट टू वाई बिकॉज वी शेयर दैट फ्रीक्वेंसी विद द अदर पर्सन कि हाँ ये इंसान मेरे बारे में आ, आ, हमेशा अच्छा सोचता है एंड ये मुझे कभी भी मेरे को मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा सिमिलर काइंड ऑफ पीपल मिसिंग फ्रॉम एंड फ्रेंक् लाइफ इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा लोगों से नहीं बल्कि अपनी वो डायरी से ही एक्सप्रेस करती थी अपनी डायरी में ही सब कुछ पेन डाउन करती थी इसीलिए यहाँ पे उसने ये वर्ड यूज करा कर अन फाइंड अट प्रस तो इसीलिए उसने कहा कि जब तक मुझे वो रियल फ्रेंड नहीं मिलेगा मैं ये डायरी किसी को नहीं पढ़ने दूंगी नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस

उसे अपने मन की सारी चीजें किसी को बतानी होती थी बट शी कुड नॉट एक्सप्रेस फीलिंग्स इसीलिए उसने वो अपनी एक डायरी रखी दैट इज वाई यहां पर क्लियरली गिवन है कि एंड फ्रेंक ने डायरी क्यों रखी बिकॉज आई डोन्ट है फ्रेंड एंड फ्रेंसी ओके मूविंग फर्दर लेट मी पुट इट मोर क्लियरली Since no one will believe that a 13 year old, oh, sorry, that a 13 year old girl is completely alone in the world, and i am not. I have loving parents and a 16 year old sister, and there are about 30 people I can call friends. So अब वो यहाँ पे कह रही है कि सबको लगेगा कि कैसे एक 13 year old girl अकेले कैसे हो सकती है?

वो एक दोस्त जिससे वो अपनी सारी अंदर की फीलिंग्स डिस्कस कर पाए या कोई भी एक्सप्रेस कर पाए जो भी थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं या जो भी बातें उनके माइंड में आ रही हैं अगर आपको भी डिप्रेस होते हो या आप कभी सैड फील करते हो तो यू ऑलवेज वांट दैट समवन शुड बी देयर टू चीयर यू अप उससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है दैट वन पर्सन विल डेफिनेटली बी आपका जो मोस्ट बेस्ट फ्रेंड होता है जो मोस्ट कन्फाइड जिसके साथ आप सबसे ज्यादा अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो या आपके पर्सनल थॉट्स पर्सनल आइडियाज शेयर करते हो वो इंसान आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एंड उसी को काइंड ऑफ रियल फ्रेंड का नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी तो वैसा एक इंसान एन फ्रें की लाइफ में मिसिंग था तो इसीलिए उसने कहा मेरे पास आसपास बहुत लोग थे आई हैड माई फैमिली आई हैड माई फ्रेंड्स आई हैड माई यू नो आई हैड माई सेज आई हैड माई लविंग आंट्स एंड अ वेरी गुड होम तो ऐसे देखने में लगता है कि उसके पास सब कुछ था कि कोई कमी नहीं थी एंड दैट शी वॉज वेरी इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन बट अगेन शी सेज दैट लाइन कि मेरे पास वो एक ट्रू फ्रेंड नहीं था ट्रू फ्रेंड कौन सा हुआ ट्रू फ्रेंड वो फ्रेंड जिसके साथ वो अपने ये डीप थॉट शेयर कर पाए जिसके साथ वो क्यों डिप्रेस्ड है क्यों इतनी lost है, ये सब बातें कर पाए थिंक अबाउट विद फ्रेंड इज हैरी एवरी डे थिंग्स वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. Again, we get the answer to that question why did Anne Frank keep her diary? सो वी नो द आंसर नाउ की एंड फ्रेंड ने वो डायरी रखी इसलिए वन बिकॉज शी उ लोनली शी उज टू फील वेरी डिप्रेस और शी उनीम शी कु हर फीलिंग्स और शेयर हर डीप थॉट्स अगेन शी स्टेट्स ऑल दिज पॉइंट दैट ऑल आई कैन थिंक अबाउट सो जब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव से जाती है उनका दिमाग डाइवर्ट होगा सो so, ये सारी चीजों के लिए जस्ट फॉर रिक्रिएशन जस्ट फॉर है एंड देन शी सेज दैट आई कानिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंगस वो खुद ही अपने मन से कभी अपने अपने जितने उनके फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी से भी इतनी फ्रीली बात नहीं कर पाती या इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हो पाती खुद से ही वो कहती है मैं सिर्फ और सिर्फ रूटीन रेगुलर एवरीडे चीजों के बारे में बात करती हूँ आई माई सेल्फ डोंट टॉक अबाउट माई पर्सनल स्टफ और माई पर्सनल आइडियाज और माई पर्सनल था दैट इज वाई वो कहती है वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज और इसी वजह से वो और ज्यादा क्लोज नहीं हो पाती अपने जो उनके एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी से भी और ज्यादा क्लोज नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद ही उनके अंदर वो एक ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है जो कि वो अपने एग्जिस्टिंग uh, फ्रेंड्स में से किसी एक को अपनी इंफॉर्मेशन के साथ या अपने पर्सनल थाट्स के साथ ट्रस्ट कर पाए दैट इज़ शी मे बी इट्स माई फॉल्ट उन्हें लगता है शायद मेरी ही गलती है कि मैं ही इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती सामने वाले को कि वो मेरे को, uh, को अच्छे से सुने और मेरी बातों को अपने तक ही रखे तो उसे उन्हें कहीं ना कहीं यही लगता है कि वो रियल फ्रेंड के मिस होने का रीजन शायद वो ही है कि वो ही इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती दूसरे बंदे को इसलिए वो कहती है कि ना तो किसी का कंट्रोल है इन चीजों के ऊपर अगर वो खुद नहीं ट्रस्ट कर पाती तो कोई जबरदस्ती उन्हें ट्रस्ट नहीं करवा सकता सो दैट इज वाई शी सेज दैट इन इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज सो शी हेज जस्ट एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हाँ ऐसे ही होता है एंड दैट ये चीज़ें चेंज नहीं होती ओके वी आर गिवन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड CONFIDE CONFIDE का मतलब होता है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट सो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन uh, कर चुकी हूँ कि कैसे एंड फ्रैंक uh, किसी और को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की सर ट्रस्ट नहीं कर पाती थी एंड इसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि uh, वो अपने एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स के साथ या उनमें से किसी एक के साथ भी ज़्यादा ज़्यादा या और close नहीं हो पा रही उनकी life से वो एक दोस्त था so, कहती है मैंने अपनी वो डायरी लिखनी शुरू करी दैट इज वाई दिस इज वाई आई है डायरी ओके मूविंग फर्दर टू एनहैंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन

फैक्ट इन दिसरी दोपल डू तो यूजली लोगों रखते हैं कुछ चीजें नोट करने के लिए या फिर उनका पूरा स्केड्यूल लिखने के लिए की आज उन्हें ये करना है ये करना है ये करना है लेकिन एन फ्रेंक ने अपनी डायरी इस इनमें से किसी भी पर्पज के लिए नहीं रखी उन्होंने जो अपनी डायरी रखी वो सिर्फ Uh, उसको एज अ फ्रेंड रखा कि ये उनकी लाइफ में वो एक रियल फ्रेंड का काम करेगी इसलिए उन्होंने अपनी डायरी को एक नाम भी दिया डायरी का नाम क्या दिया किटी दिस इज शी केप द नेम ऑफ हर डायरी आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल द फ्रेंड किटी सो अगेन वही है कि उसने अपनी डायरी को एक नाम दे दिया नाम क्या दिया किटी बिकॉज़ शी सेड कि ये डायरी ही मेरे लिए वो रियल फ्रेंड का काम करेगी इसी डायरी में मैं अपने वो सारे सीक्रेट्स लिखूंगी या मैं वो अपने सारे थॉट्स लिखूंगी या फिर वो सारी बातें जो दिमाग में बैठ जाती हैं जिसकी वजह से मैं डिप्रेस होती हूं सैड होती हूं ये सारी चीजें अनफ्रैंक ने सोचा कि वो अपनी फ्रेंड में, फ्रेंड को बताएं उसी तरह मतलब वो अपने एक डायरी में लिखेंगी जिस तरह पे जिस तरह अगर उनका कोई इमेजिन अगर कोई उनका दोस्त होता जैसे वो उस दोस्त को बताती उसकी जगह वो वो सारी चीजें इस डायरी में लिखेंगी वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ पेज नंबर फिफ्टी वन सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड

अपनी डायरी मतलब अपनी किटी को सो आई विल अगर वो अपनी किटी को आ, किटी में जो अपनी वो सारी स्टोरीज लिखती हैं अगर वो डायरेक्टली हमें बताएं तो हमें किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगा इसीलिए शी डिसाइड्स कि मैं एक बेटर व्यू देने के लिए मैं एक काइंड kind ऑफ of थोड़ा बैकग्राउंड दूंगी अपनी लाइफ का जिससे जिससे कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा कनेक्ट फील हो एंड she says that i dislike to do even though i don't like doing so but still main aapko is apni life ke bare mein ek brief sketch dungi my father the most adorable father I've seen i've ever seen didn't marry my mother until he was 36 and she was 25 so um अपने फादर के बारे में अपनी मदर के बारे में अब एंड फ्रैंक हमें बता रही है फादर का नाम हमें ऑलरेडी हमारी इंट्रोडक्शन में मिला था

Emigrated matlab leave one's own country in order to settle permanently in some other country. Um, my okay. I lived in Frankfurt until I was four. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Holland Frank, went to went with him to Holland in September. While Margaret and I were sent to Archin to stay with our grandmother. So. उनके पेरेंट्स तो मूव आउट हो गए थे बट उन दो, दोनों डॉटर्स को उनकी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया गया मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन एंड आई फॉलोड इन वाज वॉज डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट सो प्लंक डाउन का मतलब हमें गिवन है बुक में मीन्स एन इनफॉर्मल ओके इट इज एन इनफॉर्मल वर्ड एंड इट मीन्स पुट डाउन इन कैजुअल वे सो हमें Uh, क्या पता चलता है यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक ब्रीफ सा दिया है अबाउट एंड फैमिली मदर फादर सबके बारे में बताया है एंड ये बताया है कि उन्हें उनके पेरेंट्स मूव आउट हो गए थे एंड उन दोनों डॉटर्स को उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया था एंड नाउ आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल तो मार्गोड ने भी अपने पेरेंट्स को डिसम्बर में ज्वाइन करा बट

I stayed there until I was six, at which time I started in the first form. So, around when she was by the age of six, she started with her first class or first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears, as we said a heartbreaking farewell. So, by the time she was in class six or form six, she got really attached to one of her teachers of, who also happened to be the headmistress mrs Cooperus. so they both cried at the farewell of anne frank. in the summer of nineteen forty one grandma fell ill and had to have an operation so my birthday passed with a little celebration. so kibbutz are a kind of. कि बिकॉज ग्रैनी वॉज नॉट वेल और एंड फ्रेंक् ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेल दैट ईयर इसीलिए इतनी अच्छे से या इतनी ग्रैंड सेलिब्रेशन एंड फ्रेंक के बर्थडे पर नहीं हो पाई बिकॉज शी फेल इल द ग्रैंड मदर फेल इल एंड शी हैड टू गो थ्रू एन ऑपरेशन सो सिमिलर केस हैपन्स इन आवर होम्स ऑल्सो वेन एवर सीरियस और सम वन इज इल इन आवर हाउस वी डोंट रियली लाइक टू सेलिब्रेट

Grandma died in January nineteen forty two. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in nineteen forty two was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. So in nineteen forty two Madla Wagley says grandmother death in the month of January. So she says Anne Frank that no one knows how often I think of her and still love her. जाहिर सी बात है अपनी फीलिंग्स अपने मन के थॉट्स कुछ भी शेयर नहीं कर पाती थी किसी से भी तभी उन्होंने यहाँ दोबारा कहा कोई नहीं जानता कि मैं उनसे कितनी कितना प्यार करती थी या मैं उन्हें कितना याद करती थी तो यहाँ पर लिखा है नो वार नोज

1942 में जो एंड्रेंक का बर्थडे सेलिब्रेशन था वो बहुत ज्यादा ग्रैंड हुआ क्योंकि उन्हें अपने पिछले साल के बर्थडे के लिए भी कंपनसेट करना था तो हम ऐसे ही करते हैं अगर एक साल हमारा बर्थडे अच्छे से, से सेलिब्रेट नहीं हो पाता सो वी ट्राई कि अगले साल हम और ज्यादा धूम धमाके से या और ज्यादा ग्रैंड करें अपने बर्थडे को नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर okay this birthday celebration in 1942 was intended to make make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest so now the four of us are still doing well wo hai. and that brings me to the present date of 20 june 1942 and the solemn dedication of my diary सोलम होता है बाय डीप तो वो कहती है कि ये तो हो गया ब्रीफ बैकग्राउंड उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में हमें बता दिया उन्होंने अपनी स्टेट बता दी स्टेट ऑफ माइंड बता दिया कैसे कभी कभार वो लॉस्ट फील करती थी कभी कभार वो बहुत डिप्रेस्ड होती थी बट वो अपने थॉट्स अपने एक्सप्रेशन किसी से शेयर नहीं कर पाती थी शी एज ऑल्सो अस अबाउट हर फैमिली mother father, how they moved from one place to the other, how the daughters were sent to the grandmother, and then one by one the daughters also joined their parents. and ये भी बताया कि कैसे उनकी grandmother इल हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाए, and uh, and then she says कि uh, the four of us are still doing well and that brings

अब सीधा अपनी स्टोरी पे आ जाए तो किसी को कुछ बात समझ नहीं आएगी इसीलिए शी सेड कि मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगी और मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री दूंगी सो नाउ वी नो ग्रैंड मदर से उनकी कितनी अटैचमेंट थी एंड कैसे उन्होंने uh, अभी हमें एक ब्रीफ कॉन्टेक्ट दिया सो दैट वी कैन रिलेट टू हर लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी सो वी कवर लेटर चैप्टर इन आर नेक्स्ट वीडियो एंड देन आई होप यू आर क्लियर विद Parts and the questions also we have covered in our video. Thank you and keep watching.